नमस्कार दोस्तों, टेक्सचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप अपने पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोस को अपने मोबाइल में कैसे हाइड कर सकते हो दोस्तों, और हाइड करने के बाद आप चाहे तो ही आप उसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर टाइप कर देना है ES फाइल एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, ये वाला एप्लीकेशन है, मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। मैं अभी डायरेक्टली ओपन कर ले रहा हूँ इसे। तो दोस्तों, ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देख रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपके इंटरनल स्टोरेज में फाइल्स, फ़ोटोज़, वीडियोस जो भी यहाँ पर होंगे, आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे फ़ोटोज़ हैं। तो अभी मैं आपको क्या करना है, कोई भी जो भी आपको फ़ोटो हाइड करना है या फिर वीडियो हाइड करना है, उस पर लॉन्ग प्रेस कर दीजिए और फिर उसे रीनेम पर क्लिक कर दीजिए। तो फ़ोटो के सबसे पहले चले जाइए, जो कि फ़ोटो का नेम है, उसके आगे एक डॉट लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो मेरा फ़ोटो था जो कि अभी नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ पर वो हाइड में चला गया है, मीन्स वो थोड़ा सा ब्लर टाइप हो गया है दोस्तों। और अगर आप यहाँ पर साइड में तीन लाइन देखें, वहाँ पर क्लिक करें तो, और नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा शो हाइडन फाइल्स। तो इसे अगर मैं बंद कर दूँ दोस्तों, तो अभी आप देखिए, जो मैंने फ़ोटो मेरा हाइड किया था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और आप अपने मोबाइल में कहीं भी चले जाइए, गैलरी में, माई फाइल्स में, फाइल मैनेजर में, आपको नहीं देखने मिलेगा फ़ोटो। तो दोस्तों, आप वो वहाँ यहाँ से ही वो फ़ोटो को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें तो शो हाइडन फाइल्स पर मैंने इनेबल कर दिया है। तो अगर यहाँ पर देखें तो वो फ़ोटो वापस आ गया है दोस्तों, लेकिन मैंने खाली ये यहाँ पर दिख रहा है ये फ़ोटो, लेकिन आपको ये कहीं भी फाइल मैनेजर में नहीं दिखेगा फ़ोटो। तो इसे वापस विजिबल करने के लिए दोस्तों, रीनेम कर दीजिए, और इसके पहले हमने नाम के पहले एक डॉट लगाया था, वो डॉट को सिंपली रफ़ कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला फ़ोटो यहाँ पर फिर से आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक टेकी फ्रेश वीडियो में। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द एक कमाल के टेकी फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।